क्वेश्चन नंबर थ्री, सिमरन इज 13 ईयर्स यंगर देन कायनात। 13 ईयर्स यंगर, जब यंगर की बात हो तो हम माइनस करेंगे, जब ओल्डर की बात हो तो हम प्लस करेंगे। 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स फ्यूचर में, ठीक है जरा। 9 ईयर्स अगो होगा, होता तो वो पास्ट में होता। द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 43, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ईच। अभी सिमरन की जो एज है वो 13 ईयर्स यंगर फ्रॉम कायनात, मतलब कि सिमरन कायनात से 13 साल छोटी है। 9 ईयर्स के बाद, 9 सालों के बाद उनकी जो एज हो रही है, अगर दोनों की एज हम टोटल करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो हो जाएगी 43। अभी हमें क्या मालूम करना है, दोनों की एज मालूम करनी है। जैसा हमने पिछली बार दो एग्जांपल्स हमने किए हैं पिछले वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो वो उनसे ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम समझाने की ये बात है कि आपको हर तरह के एग्जांपल्स आने चाहिए। हमें पता तो नहीं ना किस तरह के एग्जांपल्स आ सकते हैं। ठीक है जनाब, तो चलते हैं आगे। तो अभी इस जो सिमरन की एज हमें बताई गई है वो 13 ईयर्स यंगर देन कायनात, और कायनात की जो हमें एज बताई गई है वो हमें उन्होंने बताई नहीं है। तो लेट्स टेक एक्स एज कायनात एज, ठीक है जनाब। और अब 13 ईयर्स यंगर, तो एक्स माइनस 13 हो जाएगी सिमरन की एज। बात समझ में आ गई। तो अभी जो हमने पहले दो प्रॉब्लम्स में एक टेबल बनाई थी, उसको आप माइंड में रखते हुए, ज़रूरी नहीं कि आप टेबल बनाएं, माइंड में रखते हुए आप अगर अभी इस प्रॉब्लम को देखें 9 सालों के बाद, तो 9 सालों के बाद जो होगी कायनात की एज होगी वो होगी एक्स प्लस 9, और सिमरन की जो होगी वो एक्स एक्स माइनस 13 प्लस 9, तो ये हो जाएंगे एक्स माइनस 4, तो ये हो जाएगी उनकी एज। अभी क्या मालूम करना है हमें कि 43 इयर्स जो एज होगी उनकी 9 सालों के बाद होगी। तो ये 9 सालों के बाद जो अब ये इक्वेशन बनेगी, तो ये बनेगी एक्स प्लस 9 और एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 43 ईयर्स। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जनाब, तो x x हो जाएंगे 2x, ठीक है। 9 प्लस 9 तो ये हो जाएंगे प्लस 5 इज इक्वल टू 43। मिल गई आपको इक्वेशन। अभी हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x की वैल्यू हम मालूम करने के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ पर प्लस है तो वहाँ पर इसको माइनस लेकर जाएंगे। यहाँ पर x क्या है, ये 5 क्या है, प्लस है, वहाँ पर माइनस हो जाएंगे। इस ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि आप दोनों तरफ के इक्वल साइन की दोनों तरफ से आप जो प्लस होता है तो माइनस कर लेते हैं, माइनस होता है तो प्लस कर लेते हैं, डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं वही डिजिट, और मल्टीप्लाई होता है तो वही डिजिट आप डिवाइड कर देते हैं। तो चलते हैं, 2x इज इक्वल टू 43 माइनस 5 इज इक्वल टू 2x 43 38। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 38 माई अब डिवाइड बाय 2, तो ये आपका x जो हो जाएगा 19 ही है, एक्स इज इक्वल टू 19। अभी प्रेजेंट एज जो उनके हम मालूम करेंगे जो के है, अब यहाँ देखें x का वैल्यू हमें क्या मिल गया है, 19 मिल गया है। प्रेजेंट एज कायनात की x की होगी तो मतलब कि ये 19 ईयर्स, और यहाँ पर अगर 19 पुट करेंगे, 19 माइनस 13 इज इक्वल टू 6 ईयर्स, तो ये प्रेजेंट एज उनकी क्या है, कायनात की 19 ईयर्स, सिमरन की 6 ईयर्स, ठीक है जनाब। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो x प्लस यहाँ पर अगर आप 19 पुट कर दें तो 19 प्लस 9 इट विल बी 28, और यहाँ पर 19 माइनस 4 इट विल बी 15, 28 प्लस 15 इट विल बी 43। सो इसका मतलब यही है कि हमारा आंसर करेक्ट है।